वाला ख्वाब देखे थे मैंने। वैसे भी अब मुझे पता है कि इंसान ही अपने ख्वाब देखता है, किसी और को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। तो पूरे का गुनगुना आप कहाँ से बनी चल गाड़ी है? हम बस और रिक्शा के धक्के खा रहे थे, अब हम गाड़ी में। तुम्हारा ना शुक्रापन खत्म ही नहीं हो रहा। ओ प्लीज, तुमने मेरी गाड़ी देखी थी? पता है कौन सी थी वो? मैं जानना भी नहीं चाहती। वैसे भी अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है जो बहुत आगे जाएगी। सुदेश कोई भी इन कामों का आदि नहीं होता है, पर शादी के बाद हर किसी को ऐसे काम करने पड़ते हैं। ओ अच्छा, तंज कर रही हो, ताने मार रही हो मुझे कि मैं कोई काम नहीं करता, है ना? क्या सारी जिंदगी ऐसे ही सोते हुए गुजारनी है तुम्हें? माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा यही सोच रही थी कि शायद माँ बाप का दिल दुखाया, उसी की सजा मिल रही है मुझे। तुम मेरे साथ को सजा कह रही हो? तो ये और नहीं तो क्या है सुदेश, मैंने हालात के हिसाब से अपने आप को कितना बदल दिया है। क्या कुछ नहीं किया है मैंने, और तुम वो ही कि तुम अपने ठोकरों से तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। बकवास बंद करो मेरे साथ। बकवास मैं नहीं कर रही, बकवास तुम कर रहे हो सुदेश। मैंने कभी अपने बाप से ऐसे अल्फाज नहीं सुने सुदेश। ये मत सोचना कि आज मैं तुमसे सुनूंगी। और ये जो छत जिसके नीचे तुम बैठे हो ना, ये मेरी बदौलत है। मैंने अपनी कमाई से ये घर लिया है हमारे लिए। तुमने किया क्या है? अपने बाप के बिगड़े हुए बेटे हो तुम, उनके पैसे में पल रहे हो और आज भी कुछ नहीं कर रहे। किया क्या है तुमने? हु आर यू? कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अब घर वापस कभी नहीं जाऊंगा। ये समझती क्या है अपने आप को? हेलो सुदेश, व्हाट हैपेंड? क्या बाहर इस टाइम क्या कर रहे हो? ओके ओके, मैं आती हूँ। सुदेश कब से पूछ रही हूँ, बताओ क्या हुआ? इतने गुमसुम क्यों हो? ये रात का टाइम है, सब ठीक है ना? मैं छोड़ आया हूँ उसे। किसे? समाहा को? अब तुमने कुछ खाया? कहाँ खाया होगा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। डन, अभी ऑर्डर करके आती हूँ।